नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे इसमें खोलते हैं और इस तरह से कुछ क्लिक कर देते हैं तो हमारे यहाँ से तो इसमें डिलीट हो जाता है, लेकिन उस कंपनी का फिर से दूसरा मैसेज यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो उस जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज़ इस तरह से क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा से आपको उस कंपनी का मैसेज यहाँ पे नहीं दिखेगा और फिर आप सोचते हैं कि यार हमारे पे मैसेज नहीं आ रहा है, या किसी भी नंबर पे आप इस तरह कर देंगे तो दूसरा बंदा आप मैसेज करेगा लेकिन आपको मैसेज दिखेगा नहीं। तो मैसेज आपको कहाँ दिखेगा, कैसे देखना है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आपको बता, अगर इस तरह से आर्चीव मैसेज हो गया है तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ तो एक तो होता है ब्लॉक जो है एसएमएस ब्लॉक स्पेस पे जाएंगे तो हमने देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसमें ये ब्लॉक कर दिया है, इसका मैसेज हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक वाले मैसेज देख सकते हैं जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है। दोबारा से आप जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्चीव, जैसे आर्चीव पे जाएंगे देख पा रहे होंगे हमने ये मैसेज आर्चीव किया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इतना मैसेज हमारे उस कंपनी का मैसेज आया हो और ये हमको वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ से अगर आपको हटाना है दोस्तों तो यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना तो आपको जो है यहाँ से हट जाएगा। तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको हट जाएगा। तो अब ये मैसेज आपको यहाँ पे सामने दिख पा रहा देख पा रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन मैसेज दिख रहा है और यहाँ पे ये वाला दिख रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।